नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे शुगर शेयर्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो शुगर शेयर में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों आपके इन शेयर्स पे आपके क्वेश्चन देखने को मिल रही है कि सर क्या ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों किसी भी शुगर शेयर की बात करें, वो पहले वाइट शुगर पर काम करते हुए देखने को मिलते थे, वो कभी भी वेल्थ क्रिएटर नहीं साबित हुए। वो अगर ऊपर जाते थे तो एक लंबा कंसोलिडेट फेल करने के बाद नीचे आते हुए देखने को मिलते थे, और इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। इसके पीछे की वजह इथेनॉल। दोस्तों इथेनॉल अभी तक 20% के टारगेट अचीव करने वाला है, आने वाले समय में ये 30% भी होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले समय का फ्यूचर है। और इसी पे नितिन गडकरी जी के बड़े बड़े बयान भी देखने को मिलते रहते हैं। आज भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा आपको लेकर चलता हूँ नितिन गडकरी जी के बयान पे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि आने वाले समय में हम इथेनॉल से चलने वाले गाड़ियाँ लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों जैसे डीजल से गाड़ी चलती है, जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे ही इथेनॉल से भी आने वाले समय में गाड़ियाँ चलती हुई देखने को मिलेगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने साफ साफ बोला है हाल ही में हम SUV भी लाने वाले हैं जो इथेनॉल पे चलती हुई देखने को मिलेगी। ऐसी ही आज हमें एक और न्यूज़ देखने को मिली कि आने वाले समय में इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां देखने को मिलेगी, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको शुगर शेयर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपके पास ये शेयर है इसे होल्ड करके रखिए, ताकि आने वाले समय में आप शुगर शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाए। इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, 20% ब्लेंडिंग के टारगेट है, आने वाले समय में 30% होंगी, और ये ब्लेंडिंग टारगेट इनके क्वार्टर रिजल्ट में इनके रेवेन्यू के रूप में शो होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी अगर अपने एक्सपेंसिव पे कंट्रोल करे तो इनका नेट प्रॉफिट ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा, और जब किसी भी शेयर का नेट प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो कंपनी अपना कंसोलिडेट फेस तोड़ती है और एक अच्छा खासा रिटर्न देती है। जाते जाते ये बोलूंगा, आपके पास कोई भी शुगर का शेयर है तो इसे होल्ड करके रखना, ताकि आने वाले समय में आप इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।